तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेनका गांधी के बीजेपी से बगावती सुर। तो आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने पर दिया बड़ा बयान, बर्बाद हुई 120 गांव की सड़कें। तो सड़कें तबाह हुई हैं, इन्हें भी बनवा दीजिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कर दिया। तो आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग भी तेज हो गई। तो अब वहीं बीजेपी नेता और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हुई गांव की 120 सड़कों का मुद्दा उठाया है। तो मेनका गांधी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन इसके बनने पर जो 120 गांव की सड़कें तबाह हुई हैं, इन्हें भी बनवा दीजिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इसी दौरान सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी स्टेज पर पीएम के साथ शुरुआत से अंत तक रहीं। तो आपको यह भी बता दें कि मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। इसके बाद मेनका गांधी का इस तरह का बयान किसी बात की नाराजगी दिखा रहा है। मेनका गांधी ने कहा कि हमें बहुत गर्व है कि हमारे क्षेत्र को चुना गया था, हमें बहुत खुशी है। ये सुंदर, ताकतवर और एक्सप्रेसवे जरूरी है। जो बनाने वाले थे उनसे हम कह रहे थे कि 120 गांव की सड़कें जो तबाह हुई हैं, इसको बनाते बनाते जरा इनको भी ठीक कर दीजिए। तो 120 गांव की सड़कें जहां पर आम आदमी चलता है, उन सड़कों को भी ठीक कर दीजिए। तो ये बड़ा बयान मेनका गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर नाराजगी जाहिर की है।